हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नोड जेएस एप्लीकेशन में एक सिंपल एपीआई कैसे क्रिएट करें, यानी कि एक रिक्वेस्ट हम करेंगे और सिंपल एक रिस्पांस हमें मिलेगा। एग्जांपल के लिए हेलो वर्ल्ड हमें रिस्पांस में मिलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्विक स्टार्ट नोड जेएस के साथ कैसे कर सकते हैं, और मैं आपको एक लास्ट में एक बोनस टिप्स दूंगा, एक ऐसा टिप जो कि एक्सप्रेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत भी होती है। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो नोड जेएस एपीआई में हमें वर्क करने के लिए पहले नोड जेएस एप्लीकेशन को हमें अपने डायरेक्टरी में इनिशियलाइज करना होता है, तभी जितने भी नोड जेएस के मॉड्यूल है, सिंटैक्स है, वो हमारे एप्लीकेशन में वर्क करेंगे, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। तो हम उसे इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। इसमें हम सिंपली उस फोल्डर में जाएंगे जहां हमें अपना नोड जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो मैं ls मारूंगा और मैं सही फोल्डर में हूं, 102। मुझे इस फोल्डर में नोड जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, npm init करूंगा और इंटर मारूंगा। ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, मीन्स पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करने के लिए मुझसे कुछ वैल्यूज मांगेगा, जिससे कि वो पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो सके। तो पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करने के दो टाइप्स हैं, एक npm init कर दो और या तो npm -y कर दो, मतलब पैरामीटर पास कर दो। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, अगर मैं npm init लिख के पास करता हूँ और इंटर करता हूँ इसको, तो ये मुझसे कुछ की वैल्यू मांगेगा। की वैल्यू जैसे कि पैकेज का नाम क्या रहना चाहिए, डिफ़ॉल्ट ये 102 डायरेक्टरी का नाम ले रहा है। मैं इसे कुछ भी कर सकता हूँ, सैम्पल मीन्स टेस्ट वर्जन डिफ़ॉल्ट, दिस इज ओनली टेस्ट ऐप। एंट्री पॉइंट मुझे सर्वर डॉट जे एस फाइल चाहिए, टेस्ट कमांड मुझे नोड सर्वर डॉट जे एस। ये सब का क्या मतलब है हम आपको बाद में बताता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या देख रहे हैं, कीवर्ड टेस्ट सिंपल ऑथर यू। अब मैं इस सी एल आई ने मुझसे जितने भी सवाल पूछे हैं उसका की वैल्यू में इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू क्रिएट कर दिया, और जैसे मैं यहाँ अगर यस दबाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि 102 में एक फ़ाइल क्रिएट हो गया, और जो भी मैंने वैल्यू में जितने भी आंसर भरे थे वो आपको यहाँ दिखाई देगा, टेस्ट और जो मैंने यहाँ लिखा था सब यहाँ आ चुके हैं। और अभी हम देखते हैं कि अगर हम आर्गुमेंट में पास करते हैं -y, यानी कि npm init -y -y, वैसे माइनस नहीं बोलेंगे उसको, npm init -y, तो इससे मतलब ये लिखने के बाद अगर हम इंटर करते हैं तो ये हमें बिना कोई सवाल किए डिफ़ॉल्ट पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो जैसे ही मैं npm init -y मार के इंटर करता हूँ, तो आप देखोगे मेरा एक डिफ़ॉल्ट पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया है। इसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया, यह ऑटोमेटिकली सारे वैल्यू कहीं ना कहीं से ये लेके आ गया, ये डायरेक्टरी का नाम, ये वर्जन, ये डिस्क्रिप्शन में इसने रीडमी का फर्स्ट लाइन ले लिया, इंडेक्स में एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट जे एस ले लिया। तो ये कुछ फ़र्क है इसमें init -y या डायरेक्टली init, तो हम इसको चेंज करेंगे। वैसे तो हम सर्वर डॉट जे एस फाइल, यानी कि इससे वैसे भी कोई मतलब नहीं है, हम इसका एक अलग से टॉपिक है। फिलहाल हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा है हमें नोड जेएस में एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जो कि हमें रिक्वेस्ट करने पे हेलो वर्ल्ड या कोई भी अनदर टैग जो हमने फिक्स किया है वो हमें रेस्पॉन्स में दे दे। तो नोड जेएस के अंदर अभी हमारा जो पैकेट डॉट जेसन है वो क्रिएट हो चुका है, तो हमारा पहला स्टेप कम्प्लीट हो गया। अभी हमें इनिशलाइज करने के लिए हम पहले फाइल क्रिएट करेंगे server.js। हमें फाइल चाहिए, और सिंपली हम इसके अंदर डालेंगे 102 जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर, और हमें कुछ पैकेजेस चाहिए रहेंगे नोड जेएस से, तो हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपली आप npm यानी कि नोड पैकेज मैनेजर
इसका यूज़ करोगे आप, और npm इंस्टॉल, या तो आप इंस्टॉल पूरा लिखो या तो सिंपली आप i लिखो, दोनों भी वर्क करता है। तो npm i लिख के पैकेज का नाम क्या चाहिए आपको, एक्सप्रेस। मुझे पहला जो पैकेज चाहिए वो एक्सप्रेस चाहिए। एक्सप्रेस बेसिकली क्या है, नोड जेएस के अंदर HTTP रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। एक्सप्रेस काफ़ी पॉपुलर है, npm i एक्सप्रेस लिखूँगा। अगर आपको कोई इसके अलावा भी और कोई पैकेज चाहिए, जैसे बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर कोर्स, तो आप इसके स्पेस देके उस पैकेज का नाम लिखोगे, तो दोनों यानी कि जितने भी आपने स्पेस सेपरेटेड बाय स्पेस जितने भी पैकेज के नाम लिखे, वो सारे पैकेज एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। तो सिंपली मैं लिखता हूँ नोड npm i एक्सप्रेस और मैं हिट इंटर करता हूँ, तो आप देखोगे जो भी इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो कुछ एरर दे रहा है, यानी कि जो मैंने कुछ ये लिखा है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस ये सही है। तो आप अगर स्पेलिंग या कोई ऐसा पैकेज का नाम लिखते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको कुछ इस तरह का एरर दिखाई देगा। तो अभी मैंने सही सही एक्सप्रेस का नाम लिख दिया, तो जैसे ही मैंने npm i एक्सप्रेस लिखा, पैकेज का नाम लिखा, तो आपको दो फाइल क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। एक है, एक पहला डायरेक्टरी है नोड मॉड्यूल और दूसरा है पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो जितने भी पैकेजेस के जो भी हेल्पफुल कोड हैं वो सारे इसके नोड मॉड्यूल के अंदर आते हैं, पैकेज लॉग जेसन वो भी नोड जेस को हेल्प करने के लिए रहते हैं। तो जल्दी से हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही आपका जो npm i पैकेज का नाम जो रन हो जाएगा सक्सेसफुली, तो आप अपने पैकेज डॉट जेसन में आके देखोगे कि जो आपका पैकेज नेम है वो यहाँ रहेगा, और उसका कौन सा वर्ज़न आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल हुआ है वो वर्ज़न आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने वर्ज़न भी देख सकते हो। और जल्दी से हम अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड एक्सप्रेस एक्सप्रेस। तो हमने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर लिया, एक्सप्रेस को हमने एक्सेस कर लिया, और हम इसे ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एक ऐप वेरिएबल में भी असाइन कर लेते हैं, जिससे कि जितने भी एक्सप्रेस के फीचर है वो उस सारे फीचर को हम ऐप वेरिएबल का यूज़ करके एक्सेस कर पाएंगे। और हमें दूसरा चाहिए रहेगा पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर बेसिकली हम अपने जो भी हमारे लोकल लोकल में एप्लीकेशन रन होता है उसे लोकल होस्ट में ऑटोमेटिकली रन होता है, तो उसे हमें एक पोर्ट देना पड़ता है, जिसमें कि अब हमारे कंप्यूटर को बताएगा कि इस एप्लीकेशन को लोकल होस्ट में इस पोर्ट पे रन कर दो। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट यानी कि इस एप्लीकेशन का जो पोर्ट है वो क्या रहना चाहिए, 8090, यानी कि जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। ज़्यादातर लोग 8000 9000 8080 लेते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप पोर्ट कुछ भी ले सकते हो। और सिंपली मैं इसके आगे क्या करूँगा, इसके आगे मैं लिखूँगा कि ऐप डॉट लिस्टन। ज़्यादा बकवास ना करके मैं एक बार इसको देख लूँगा कि जो हमारा ये एप्लीकेशन है उसमें कोई बग ना हो, इसके वजह से मैं भी इसको रन करूँगा और लॉग में लिखूँगा सर्वर स्टार्टेड एट लोकल होस्ट पोर्ट, सर्वर स्टार्टेड एट लोकल होस्ट पोर्ट ये। और जैसे अभी ये हमारा कितने लाइन का कोड है, हमारा ये कुछ 5-6 लाइन का कोड है। सिंपली हमें यहाँ लिखेंगे अभी नोड सर्वर, यानी कि हमारा जो फाइल है जहाँ हमने ये 5 लाइन का कोड लिखा है वो नोड प्लस, यानी कि अगर हमारे एप्लीकेशन को रन करना है तो कुछ इस तरह से हम रन करेंगे। तो अभी ये एरर क्या आ रहा है, एरर ये
आ रहा है कि पोस्ट ये जो वेरिएबल है वो नॉट डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड रहेगा जब हमने यहाँ पोर्ट लिखा और यहाँ मैं लिखा क्या पोस्ट, तो मैंने स्पेलिंग फिर से गलत लिख दी है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोर्ट और इसको वापस से रन करेंगे तो आप देखोगे जो हमने इतना कोड लिखा है उसमें कोई भी एरर नहीं है, हमने सक्सेसफुली अपने कोड को रन कर लिया। अभी हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिलहाल ये किसी भी एंड पॉइंट को एक्सेस नहीं होएगा। अगर हमें इसमें एंड पॉइंट, इन पॉइंट यानी कि जो यूआरएल्स होते हैं उसमें एक्सेसिबल बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ उस एंड पॉइंट का नाम देना पड़ेगा, यानी कि उस एंड पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे ऐप मेथड का नाम गेट पोस्ट डिलीट, जो भी आपको मेथड चाहिए। तो सिंपली हम गेट लिख रहे हैं, गेट सिंपली हमें कोई डेटा को रेंडर कराना है तो उसके लिए वो यूज़ होता है गेट। देन इसके बाद सेकेंड कॉल बैक फंक्शन जो कि रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स नेक्स्ट, ये डिफॉल्ट नेक्स्ट है, और सिंपली हम रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट जेसन में से मैसेज भेज देंगे। हम पहले तो बोलेंगे स्टेटस स्टेटस ओके, देन मैसेज में भेज देंगे आ हेलो हेलो वर्ल्ड। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो गया है। अगर आप लोकल होस्ट पोर्ट 8000 अभी आप ब्राउज़र में सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, जो कि ये जेसन फॉर्मेट है। और अभी मैं इसे रन करता हूँ हमारे एप्लीकेशन को नोड सर्वर एक्सप्रेस, और हम इसे अपने ब्राउज़र में रन करेंगे। ब्राउज़र में सिंपली रन करने के लिए हमें जो मिला है लोकल होस्ट पोर्ट 8000 8000, और आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ जेसन क्रिएट किया है, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टेटस ओके देन मैसेज क्या रहेगा वो हेलो वर्ल्ड। तो आप यहाँ देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। आप सिंपली अगर ये चाहते हो कि आपको जेसन ना मिले, आपको सिंपली एक टेक्स्ट मिले, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप इसको जेसन की जगह आप सेंड कर दोगे, जेसन की जगह आप कुछ सेंड करोगे जो कि H1 टैग रहेगा, और H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड या समथिंग यू वांट जो भी आपको चाहिए आप वो इसके अंदर लिख के आप उसको पास कर सकते हो। और अभी मैं इस फाइल को किल करने के बाद वापस से इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, हमने जो यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। और मैं अगर इसको हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो देयर कर दूँ, हेलो देयर, इसे वापस से क्लिक करना पड़ेगा, और मैं उसको वापस से अगर रन करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ लिख के आ रहा है हेलो देयर। तो इस तरह से हम अपना एक सिंपल क्विक स्टार्ट नोड जेएस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था एक बोनस एंड पॉइंट यानी कि एक बोनस टिप्स, तो जैसे आपको अगर अगर कुछ ऐसा एंड पॉइंट है यानी कि कुछ ऐसा यूआरएल है जो आपके एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, आपके ऐप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जैसे मैं अभी यहाँ करता हूँ नो यूआरएल, तो यहाँ मैसेज लिख रहा है कैन नॉट गेट नो यूआरएल और कुछ भी अनसर्न, यानी कि कुछ ऐसा यूआरएल जो हमारे इस ऐप के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ऐप डॉट लिखेंगे।
तो कुछ ऐसे एंड पॉइंट है जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो उसे हमें हैंडल करना है, उसे 404 का एक अच्छा सा टैक्स देना है कि बोलना है कि ये वाला जो एंड पॉइंट आपने रिक्वेस्ट किया है वो हमारे ऐप के अंदर स्पेसिफाई नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़ लिखेंगे, फंक्शन फंक्शन में लिखेंगे नो नेम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट। वैसे आप इसे एक एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, आप इसे एक मिनट आप इसे एरो फंक्शन का यूज एरो फंक्शन भी बना सकते हैं या जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका भी, मीन्स सेंटेक्स आप कोई भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या तो आप एरो फंक्शन का यूज़ करो या तो आप स्टैंडर्ड फंक्शन। तो मैं एरो फंक्शन का यूज़ करके मैं यहाँ करूँगा क्या, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, तो मैं बताऊँगा कि रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर 404 है तो आप उसको सेंड करो, सेंड करना है डॉट सेंड रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 स्टेटस के साथ हमें एक टेक्स्ट को सेंड करना है, द गिवन यूआरएल मींस पेज नॉट फाउंड। सिंपली हमें क्या मतलब जो जिसने रिक्वेस्ट किया है कुछ ऐसा एंड पॉइंट जो कि हमारे एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसे क्या लिख के जाएगा अभी, पेज नॉट फाउंड। अगर मैं इसे किल करके वापस रन करूं और आप देखोगे कि जैसे मैं इसको रीलोड करता हूं तो आप देखोगे पेज नॉट फाउंड यहां लिख के आ गया है। तो इस तरह से आप 404 यानी कि अननोन एंड पॉइंट को इस तरह हैंडल कर सकते हो Node.js एप्लीकेशन के अंदर। और अभी क्या, तो इस तरह से हम किसी अननोन एंड पॉइंट को अपने Node.js एप्लीकेशन में हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पेज नॉट फाउंड मैसेज के अलावा यहाँ कहीं आपका जो यूज़र ने यहाँ URL को रिक्वेस्ट किया वो कहीं URL भी लिस्ट हो जाए, यानी कि मैसेज के अलावा यहाँ कहीं वो URL लिस्ट हो जाए, तो उसे हम किस तरह करेंगे। सिंपली हम एक HTML एलिमेंट में हम इसे लिस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से कि सिंपली ये हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डॉट URL, बस इतना। तो अभी हमें क्या रिस्पॉन्स में क्या आएगा, पेज नॉट फाउंड, उसके नीचे एक स्पेस रहेगा यानी कि ये लाइन ब्रेक का टैग है, रिक्वेस्ट डॉट URL जो करंट URL है वो वहाँ दिखाई देगा। तो अभी हम इसे किल करके वापस से रन करते हैं और हम इसे रीलोड करेंगे और आप देख सकते हो कि पेज नॉट फाउंड के अलावा यहाँ URL भी आ रहा है जो यूज़र ने एक्सेस किया है, न्यू URL। तो जो भी मैं यहाँ URL को सर्च कर रहा हूँ वहाँ नीचे लिस्ट होके आ जा रहा है, आप देख सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।